रावलपिंडी इस्लामाबाद में मानसून बारिशों की एंट्री, जुड़वां शहरों में गरज चमक के साथ बादल खूब बरसे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में रात भर से मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार, शहर बेमिसाल की खूबसूरती मजीद निखर गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मानसून बारिशें। लाहौर में सुबह सवेरे मुर्गजार कॉलोनी, सब्जाजार, इकबाल टाउन, काजी टाउन, ऐवान टाउन और करीबी इलाकों में बादल बरसे। फतेह जंग और सियालकोट में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में लोअर दीर और मर्दान में भी खूब बादल बरसे। बादल बरसने से हब्स का खात्मा, महकमा मौसमियात की आज। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 7 जुलाई से बादल बरसेंगे। IMF का एक और मुतालबा पूरा, बिजली के बुनियादी यूनिट में 5.72 रुपये इजाफा। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। इतलाक यकम जुलाई से हो गया। ज़रा के मुताबिक नेपरा ने बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 29.78 रुपये से बढ़ाकर 35.50 रुपये फी यूनिट मंजूर किया था। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान IMF के बेल आउट पैकेज के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका है। बेल आउट पैकेज 6 अरब डॉलर से ज़ायद का होगा। मुश्किल और गैर मकबूल बजट पेश करने का मकसद IMF प्रोग्राम हासिल करना था। मुझे साबिक चेयरमैन पीटीए की तरफ से पैगाम आया था, जब कहेंगे चला जाऊंगा। फवाद चौधरी की साबिक चेयरमैन पीटीए से मुलाकात से सवाल पर जवाब, फवाद चौधरी की अली अमीन गंडापुर और असद कैसर के राबते की तस्दीक। कहा कि मौजूदा स्ट्रेटजी से बानी पीटीए जेल से बाहर नहीं निकल सकते। प्रोग्राम फैसला आपका में कहा कि मौजूदा क़यादत साबिक चेयरमैन पीटीए को ना सही मालूम दे सकती है ना तजावीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात, तजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक मिलकर बहुत से चैलेंजेस से निमट सकते हैं, किसी और मुल्क की वजह से आपसी ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। उम्मीद है कि एक बार फिर बार्टर तिजारत शुरू करेंगे। सदर पुतिन ने कहा कि तवानाई ज़रात और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में तआवुन बढ़ाएंगे। तजारती रवाबित से दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी आई है। वज़ीर आज़म की रूसी सदर को दोबारा पाकिस्तान की दावत। बाजौर के इलाके डमाडोला में धमाका, साबिक सेनेटर हिदायतुल्ला जांबहक। पुलिस के मुताबिक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब से गाड़ी को निशाना बनाया गया। 5 अफराद जांबहक हिदायतुल्ला इंतखाबी मुहिम के लिए डमाडोला गए थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत, वरसा से इजहार तासियत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तहकीकती रिपोर्ट तलब कर ली। बिजली के बड़े बड़े बिलों के बावजूद घंटों लोड शेडिंग, कहीं 10, कहीं 12, कहीं 14 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मुल्क में शॉर्टफॉल 6,800 मेगावाट से बढ़ गया। पिशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। हैदराबाद, सखर समेत सिंध के शहरों में भी बिजली की तवील बंदिश। गुजरांवाला में 7 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 5 घंटे की लोड शेडिंग। लकी मरवत में बिजली बंदिश का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुँचा। साबिक चेयरमैन पीटीए पर बगावत का मुकदमा दर्ज होगा, पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। पाकिस्तान तोड़ने की मुनाजिम साजिश का इल्ज़ाम, काबीना दस्तावेजात के मुताबिक बानिए पीटीए मौजूदा सूरत हाल को मशरकी पाकिस्तान से तशबीह दे रहे हैं। बैरिस्टर गोहर ने भी रियासत मुखालिफ बयान दिए। कौमी इदारों, अदलिया, सीनियर अफसरान के खिलाफ झूठे बयान पर केस बनेंगे। पाकिस्तान पिनल कोड की मुख्तलिफ दफात के तहत कार्रवाई की सिफारिश। वज़ीर आज़म के मुशीर आना सनाउल्ला ने कहा कि बानी पीटीए बास नहीं आएंगे तो कार्रवाई अनोखी बात नहीं। फसाद के एजेंडे को रोकना मुल्क के लिए बेहतर है। बानी पीटीए मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर सकते हैं। कोशिश की जानी चाहिए कि उन्हें न्यूट्रल किया जाए।
लाहौर समेत पंजाब भर में आटे की कीमत में कमी। 20 किलो आटे का थैला 90 रुपए सस्ता। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का वजीर खुराक से मुलाकात के बाद ऐलान। बिलाल यासीन ने कहा कि गंदम के इजाफी स्टॉक के बावजूद आटे की कीमतों में इजाफे पर तशवीश हुई। पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के मुजाकरात नाकाम। डीलर्स का 5 जुलाई से मुल्क भर के पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान। कहा कि डबल टैक्स किसी सूरत नहीं मानेंगे, रात से पंप ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, टैक्स वापसी तक कोई बात नहीं होगी। नॉन फाइलर्स की 2,10,000 से ज्यादा मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक। ज़रा के मुताबिक टैक्स रिटर्न जमा कराने पर 61,000 से ज्यादा मोबाइल सिम्स बहाल कर दी गई। FBI रोजाना 5,000 सिम्स का डेटा टेलीकॉम कंपनीज को भेज रहा है। पाकिस्तान तुर्की और आज़रबाईजान के सफरी की मुजाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की और आज़रबाईजान के सदूर के शिरकत। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। इलाकाई और आलमी अमन व खुशहाली पर भी तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की आस्ताना में उज़्बेकिस्तान के सदर से भी मुलाकात। कराची पोर्ट को तर्मिस से मुंसलिक करने पर भी तबादला ख्याल। उज़्बेक अफगान पाकिस्तान रेलवे मंसूबे की जल्द तकमील पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शंघाई तआवुन तंजीम इजलास में भी शिरकत करेंगे। सैनेट का इजलास आज सुपहर होगा। वजीर पार्लिमानी अमूर आज़म नज़ीर तारड़ इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश करेंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की माली साल 2021-2022 की रिपोर्ट ऐवान में पेश होगी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से पेंशन असलाहत के मुतअद्दिद नुकात की मुखालफत। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से ने क़बल अज़ वक़्त रिटायरमेंट पर सालाना 3% जुर्माने के तजवीज़ और दीगर कई नुकात की मुखालफत भी की है। लाहौर समेत पंजाब भर में स्टाम्प पेपर्स की फ़ीस में 20,000 रुपये तक इजाफा। ई स्टाम्प की फ़ीस 100 से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई। जायदाद की फ़रोख के लिए ई स्टाम्प की कीमत 3,000 रुपये मुकर्रर। 1.5 करोड़ रुपये से ज़ायद मालियत के स्टाम्प पेपर की फ़ीस में 20,000 रुपये इजाफा। तलाक और पावर ऑफ अटर्नी के ई स्टाम्प भी महंगे हो गए। सड़क को इतना बहुत बुरी हालत हो गई है, लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो फंस जाते हैं यहाँ पर। दुकानदार अपने तौर पे जो ना मशीन लगा रहे हैं, गटर की लाइन जो ना वो बिल्कुल ब्लॉक है। ये चिंची रिक्शे में हम लोग सफर करते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे अभी कल्टी हो जाएगी गाड़ी। कराची के इलाके कुरंगी के रिहायशियों की पुरानी परेशानी। टूटी सड़क, सीवेज का गंदा पानी, गंदगी के ढेर ने मुश्किल बढ़ाई। इंतजामिया एक्शन ले मकीनों की दुहाई। गिलगित बल्तिस्तान में जापानी कोपैमा पहाड़ से उतरते हुए गिरकर हलाक। 64 साल कोपैमा 7,000 मीटर बुलंद स्पांटिक पहाड़ पर एक मुहिम से वापस आ रहे थे जब अफसोसनाक वाकया पेश आया। जदीद दौर में रिहाइश का पुराना तरीका। और अगजई के गांव वालों ने सदियों पुराने मिट्टी के कच्चे घर अब तक नहीं छोड़े। नए मकानात भी मिट्टी से बनाए जाते हैं। अहले इलाका कहते हैं कि ये घर मौसम की शिद्दत को कम करते हैं।